स्पाई यूनिवर्स की वॉर फिल्म में एक साथ काम करने के बाद सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन अपनी दूसरी फिल्म लेकर के आ रहे हैं फाइटर, जिसका आज टीजर जो है यूट्यूब पे 11 बजे ड्रॉप कर दिया गया है। तो टीजर कैसा लगा इसके बारे में बात करेंगे, और मुझे ये फिल्म के लिए एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है ज़्यादा इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, जो कि आप होंगे क्योंकि हमारा चैनल ही अभी नया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे कंटेंट बनाने का। तो बात करते हैं टीजर पे। सबसे पहले इसमें जो है स्टारकास्ट में होने वाला है ऋतिक रोशन एज पैटी, दीपिका पादुकोण एज मिनी, और अनिल कपूर एज रॉकी, और सभी फुल फेजेस एक्शन करते नजर आ रहे हैं, वो भी जमीन पे नहीं हवा में सारे एक्शंस करते नजर आ रहे हैं, सभी फाइटर जेट्स में एक्शंस करते नजर आ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, और मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड इसलिए भी हूँ ना, क्योंकि इसके फिल्म के डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ आनंद, वो काम कर रहे हैं रेमोन चिप के साथ, जो कि पहले इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, उनके फादर जो है इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं, और वो अपने इंडियन आर्मी के कैरियर के बाद रेमोन चिप ज्वाइन करते हैं फिल्म डायरेक्शन में, जो कि अभी तक की उनकी फिल्मी कैरियर देखोगे तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, खुद लिखते भी हैं, और वैसी ही फिल्म जो ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री जो कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी पे बेस्ड होता है, तो इसमें उनका इंटरेस्ट भी था स्टार्टिंग से ही, और ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था जो कि वो सिद्धार्थ आनंद के साथ मिलकर के फिर पूरा भी हुआ फाइटर नाम से फिल्म जो आ रही है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था कि ऐसा कुछ दोनों ने साथ मिलकर के स्टोरी लिखा, लेकिन बहुत पहले से उनका प्लान था, आप उनके आर्टिकल पढ़ोगे इंटरव्यू पढ़ोगे उन्होंने बताया था। तो इसलिए एक वेल रिसर्च फिल्म रख ली, आप एक एक एक्शन सीन्स देखोगे ना काफी फास्ट कट से गए हैं मतलब टीजर में, लेकिन काफी खूबसूरत लग रहे हैं सारे सीन्स, तो इसलिए एक वेल रिसर्च, पहले तो इसको बोला जा रहा है फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म, जो कि 2 महीने पहले भी कंगना रनावत की तेजस आई थी उसे भी एरियल एक्शन फिल्म ही बोला जा रहा था, लेकिन मैं इसे ही प्रॉपर एक एरियल एक्शन फिल्म बोलूंगा। उसकी 2 वजह है, सबसे पहले तो एक वेल रिसर्च फिल्म रख ली है, तेजस मुझे उतनी ज्यादा टेक्निकली अच्छी नहीं लगी थी फिल्म, और अनाउंस भी इसे पहले किया गया था, काफी पहले से इनका प्लान था, वॉर फिल्म में काम कर रहे थे दोनों साथ में सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन, तभी उन लोगों ने इस फाइटर नाम की मूवी का जो, और ये फ्रेंचाइजी होने वाली है, इसके पार्ट 2 भी आने वाले हैं, हो सकता है लास्ट में इसका कोई एंड क्रेडिट सीन दे दिया जाए हमें टीज करने के लिए, और नहीं तो बाद में, लेकिन इसके जो है फ्रेंचाइजी सेकंड पार्ट जरूर आने वाली है, ऐसा आर्टिकल में मैं पढ़ चुका हूँ। तो अच्छा लग रहा है फिल्म का टीजर देख करके अभी, और ऐसा नहीं है सिर्फ जमीन पे एक्शन है, सिर्फ मतलब हवा में एक्शन है, जमीन पे भी एक्शन नजर आ रहे हैं, और ऋतिक रोशन और कंगना रनौत दोनों लीड एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो दोनों रोमांस तो करते नजर आएंगे, जो कि टीजर में भी दिख रहा है, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर एज यूजुअल अपने ही चार्म में नजर आ रहे हैं वो, तो ये सभी देख करके टीजर अच्छा लग रहा है। सबसे अगर जो इसका जो वॉर मोमेंट सारे, या फिर आप कह सकते हो ना कि टीजर का सबसे अच्छा पार्ट क्या लग रहा है, तो एरियल एक्शन जो भी फाइटर जेट्स के सीन दिखाए गए ना वो काफी अच्छे लग रहे हैं, मतलब गुजबम्स आ रहे हैं वो सारे सीन्स देख करके, तो मुझे तो टीजर पसंद आया। स्टोरी के बारे में अभी कुछ प्रेडिक्ट करना मतलब इजी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डायलॉग्स नहीं दिए गए हैं टीजर में, बट दिखाया जा रहा है कि शायद आर्मी कैंप में अटैक हो रहा है, कहीं पे बमबारी हो रहा है, वे लोग भाग रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरे कंट्री से कोई अटैक हो, या फिर कोई रेस्क्यू मिशन हो, या फिर किसी से फाइट करना हो, इस टाइप की कुछ स्टोरी हो सकती है, मे बी ट्रेलर में वो स्टोरी कुछ क्लियर हो, लेकिन जितना ज़्यादा स्टोरी मूवी में दिखाया जाए, मतलब टीजर और ट्रेलर में हम लोग ना गेस कर पाए, वही हम लोग के लिए अच्छा है, वो ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाता है मूवी के लिए। तो मुझे तो टीजर पसंद आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है टीजर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूँ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड।